और आगे बढ़ रहे हैं कोटा से, जहां पर सर्टिफिकेट बनाने में दिव्यांगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में इधर से उधर वो चक्कर काटने को मजबूर हैं। दिव्यांग एमबीएस अस्पताल प्रशासन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। शिकायत पर अस्पताल प्रशासन कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि दिव्यांगों को अपने सर्टिफिकेट के लिए अस्पताल के चक्कर यहां पर लगाने पड़ते हैं और किसी भी तरीके की जो सुविधा है वो मुहैया अस्पताल की तरफ से नहीं कराई जा रही है। दिव्यांग इधर से उधर चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं और वहीं कोई भी सुध लेता हुआ जो विभाग है अस्पताल का, वो इसका कोई भी नजर नहीं आ रहा है। संज्ञान लेता हुआ प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अस्पताल में इधर से उधर चक्कर यहां पर अपने इन हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। मुकेश सोनी जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं दिव्यांगों को? बिल्कुल सुबह देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि दिव्यांगों को सर्टिफिकेट बनाने के लिए इधर से उधर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हालांकि जो सर्टिफिकेट का काम है वो ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन सर्टिफिकेट जब जब बनता है तो उसके बाद उसको अस्पताल में दिव्यांग जो है अस्पताल आते हैं, लेकिन अस्पताल में जो है सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं है। दिव्यांगों को यहाँ पे कम से कम 3 से 4 कमरों का चक्कर काटना पड़ता है। ऐसे में दिव्यांग काफी परेशान रहते हैं। परेशानी उनकी जो है आप देख सकते हैं कि दिव्यांग साथी यहाँ पे खड़े हुए मेरे साथ उनसे बात करते हैं किस तरह की उनको समस्या हो रही है। भाई साहब बताएं, आप किस तरीके की समस्या होती है आपको? सर क्या है कि यहाँ पर जो भी दिव्यांग आते हैं उनको कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाके सर्टिफिकेट बनेगा। पहले हम वहाँ जाएंगे, ई मित्र पे वहाँ को ऑनलाइन कराएंगे, उसके बाद वहाँ से यहाँ 132-133 में आ जाएंगे, फिर यहाँ से एक फॉर्म देंगे, इसको लेके हम यहाँ से वहाँ 115-121 में जाएंगे, तो यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर पड़ रहा है। और इतनी भीड़ रहती है कि विकलांग को जाना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ जमा करेंगे, वहाँ डॉक्टर उसको चेक करेंगे, सर्टिफिकेट बनाएंगे, फिर उसके बाद वापस यहाँ जमा कराने आएगा। ये इतना लेंथी हो गया सर कि जो बैठ के चलता है दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं सकता है। और हमने कितनी बार इनको लिख के दे दिया, कोई असर ही नहीं होता है। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो अभी ही आई हूँ। क्या दिक्कत है आपको? परेशानी आती है, कहीं भी आ जा नहीं सकती मैं। अभी कहाँ का चक्कर काटे आपने? अभी वही 101 वहाँ से आए, 121 कमरे। कोई मिला वहाँ पे? हाँ, उन्होंने कहा है कि वहाँ जाना पड़ेगा। आप बताएं सर, हमारी हमारी ये समस्या यही है कि जो 133 नंबर जो पंजीकरण का रजिस्ट्रेशन होता है वो 133 में ना होके 121 में हो जाए तो दिव्यांग व्यक्ति परेशान नहीं हो। 133 से 121 जाने के लिए करीबन 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के उसका फासला होता है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति बहुत परेशान होता है। तो हमने कई बार अध्यक्ष साहब के और प्रिंसिपल साहब से इस बात के अवगत करा चुके, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया हमारा। और उन्होंने बोला था कि हम सोमवार को ये काम आपको वहीं 121 में करा देंगे, पर अभी तक भी वो 121 की छोड़ो वहाँ पर लिखा तक नहीं गया कि 115 होता है, 121 सर्टिफिकेट होता है। बिल्कुल, दिव्यांग व्यक्ति परेशान हो रहे बहुत ज्यादा। यानी मुकेश, कहा जा सकता है कि एक तरफ दिव्यांगों को जिस तरीके से कोशिश ये की जाती है कि अधिक से अधिक जो सुविधाएं हैं मुहैया कराई जाएं, लेकिन स्थिति क्या है ये अस्पताल के अंदर ही नजर आता है कि उन्हें चक्कर जो है एक के बाद एक कमरों के कटवाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए।